गुड न्यूज है तमाम टीचर्स के लिए, यानी टीचर्स के लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि टीचर्स को जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वन टाइम एक्सेम्प्टेशन जो है वो दे दी गई है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि टीचिंग स्टाफ में जो है, टीचिंग स्टाफ तो फॉल करता ही करता है, यानी जो लोग टीचर हैं ये खबर उनके लिए तो है ही है, लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है। इससे पहले सर्विस में रहते हुए जब टीचर्स जो है वो हायर एजुकेशन के लिए जाते थे, तब उन्हें जो है वो परमिशन लेनी होती थी और बहुत सारी चीजें जो है वो उन्हें देखकर फिर जो है अपनी फर्दर स्टडीज के लिए जाना होता था। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर टीचर्स को राहत दी गई है और ये वन टाइम है, यानी अगर टीचर्स ने परमिशन नहीं ली है अपनी हायर एजुकेशन के लिए तो वो जो है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। अगर मैं खबर की बात करूं तो टीचर्स को ये खबर सुनकर बेहद खुशी हो रही होगी, और जहां तक बात करते हैं चाहे वो टीचिंग स्टाफ की मैं बात करूं और चाहे मैं नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करूं, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो इस तरह से हैं, जब टीचर्स अपनी जॉब में रहते हैं, इन सर्विस में रहते हैं, तो उनके पास इतना ज्यादा वक्त नहीं रहता कि वो अपनी जो है हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सके या हायर स्टडीज के लिए जा सके। तो सबसे पहले उन्हें परमिशन लेनी होती है, अगर उन्हें डिपार्टमेंट परमिशन देता है तभी वो हायर स्टडीज के लिए जो है वो जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि अगर किसी भी टीचर्स ने, यानी टीचिंग करते समय चाहे वो टीचिंग स्टाफ में है चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ में है, तो उनके लिए खबर यह है, चाहे उन्होंने ऑनलाइन मोड से ये किया है, चाहे वो डिस्टेंस मोड से किया है या ऑफलाइन मोड से किया है, तो खबर उनके लिए यह है कि वन टाइम एक्सेम्प्टेशन की बात करें तो उन्हें दी गई है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो 15 मई तक जो है वो जमा करवाने होंगे, यानी 15 मई 2024 तक, और ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है। और अगर आप इस खबर को सुन रहे हैं तो तमाम टीचर्स तक जो है इस खबर को शेयर करें। तमाम टीचर्स की अगर हम बात करें तो नॉन टीचिंग स्टाफ तक भी आप इस खबर को जो है वो शेयर करें, क्योंकि यहां पर एक फाइनल कॉल दिया गया है, यानी इसे आप एक आखिरी कॉल भी कह सकते हैं और एक वेकअप कॉल भी कह सकते हैं कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दिया है। जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, यानी जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो अभी इन सर्विस में है चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ इन सर्विस में है, तो वन टाइम एक्सपेक्टेशन जो है वो उन्हें दी है। आपको बता दें फॉर हायर क्वालिफिकेशन के लिए, यानी अगर उन्होंने हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर की है चाहे वो डिस्टेंस मोड से की है, चाहे ऑफलाइन मोड से की है, चाहे वो ऑनलाइन मोड से की है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स यानी सबमिट करवा सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 15 मई 2024 तक ये अनाउंसमेंट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से की गई है, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 188 JK एजुकेशन डेटेड मार्च 15, 2024, जो कहता है कि इन्हें वन टाइम एक्सटेंशन दी गई है अपने स्टाफ को जो हायर क्वालिफिकेशन के लिए गए हैं विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। आप जानते हैं जब कोई टीचर रहता है तो टीचर को अपनी हायर स्टडीज के लिए जो है एक अप्रूवल लेना पड़ता है और अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर उन्हें डिपार्टमेंट कहता है कि हाँ आप अपनी फर्दर स्टडीज के लिए जाओ, कोर्स के लिए जाओ, ऑनलाइन के लिए जाओ, ऑफलाइन के लिए जाओ, डिस्टेंस मोड के लिए जाओ, तो वो जा सकते हैं। अगर उन्हें कंसर्न डिपार्टमेंट यानी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो उनका कंसर्न डिपार्टमेंट है या एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की बात कर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की बात करते हैं, अगर वो उन्हें कह देता है कि आप नहीं जा सकते तो वो नहीं जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल कुछ टीचर फिर भी ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंट से चोरी चोरी जो है अपनी हायर स्टडी पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी हायर स्टडी, उनकी हायर क्वालिफिकेशन जो है उनके प्रमोशन में काम आती है, उनकी जॉब में बहुत ज्यादा फायदा देती है, तो हर कोई ये करना चाहता है। लेकिन उसके लिए पहले उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना होता था या कंसर्न डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना होता था। अब जिन टीचर ने नहीं लिया है तो ये वन टाइम, मैं आपको बता दूं कि ऐसा हो रहा है, जिस तरह वन टाइम की बात करते हैं ऐसा हो रहा है, वन टाइम एक्सटेंशन दी गई है उन्हें कि आप जो है ये कर सकते हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करा सकते हैं कि आपने कितनी क्वालिफिकेशन लिया, चाहे आपने उसके लिए पूछा है या नहीं पूछा है। टू रेगुलेट दिस क्वालिफिकेशन फॉर प्रमोशन और सीनियरिटी लिस्ट इंक्लूजन, यानी उनकी ये जो क्वालिफिकेशन है ये उन्हें सीनियरिटी लेवल में काम आती है, इसके लिए एक डेडिकेटेड कमेटी फ्रेम की गई थी जो रूल ऑफ SRO 339 के अंदर 2005 के अंदर आती है, जिसमें आर्ग्यूमेंटेड बाय सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स एंड सर्कुलर है। अब मैं आपको आगे बता दूं कि सारी जो कमेटी है ये चीफ एजुकेशन ऑफिसर की देखरेख में जो है डिपार्टमेंटल ने बनाई है, और यहां पर एक बात करते हैं कि लेटर जो है वो इशू किया गया था डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू 2024/9129 and 39 डेटेड April 12, 2024 को, जिसमें जो है बताया गया था कि क्या कुछ टाइम है, किस तरह से इन्होंने यहां पर अपनी क्वालिफिकेशन जो है कंप्लीट की है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इन सब बातों पर
स्ट्रेस देते हुए इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को जो है मद्देनजर रखा है और मई 15 2024 तक आपको प्रॉपर चैनल्स के थ्रू जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को ये टास्क दिया गया है कि आप यहाँ पर देखिए किसका जो है वो सही है और किसका जो है वो गलत है, क्या इन्हें बनता भी है या नहीं बनता। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ग्रांट की है वन टाइम एक्सटेंशन OTE, यानी आपको बता दें इन फेवर ऑफ टीचिंग, यानी चाहे आप टीचर हैं चाहे आप नॉन टीचिंग स्टाफ से हैं, और जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं ये खबर उनके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर को तमाम इन सर्विस के दौरान जो है हायर स्टडीज जो है अचीव करने का मौका नहीं मिलता है, तो कई अपने डिपार्टमेंट से अप्रूवल लिए बिना जो है इसे अचीव कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि हमें नहीं दिया जाएगा अप्रूवल, क्योंकि जब इनके एग्जाम होते हैं, आपको बता दें कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर को यह तक भी कहा गया है कि जब इनके एग्जाम होते हैं आपको यह भी देखना होगा कि इनके जो एग्जाम हो रहे हैं उसके दौरान इन्होंने क्या परमिशन ली है, क्या ये परमिशन लेकर अपने एग्जाम देने गए हैं, क्या इन्होंने झूठी डिग्री तो नहीं ली, क्या इन्होंने डिस्टेंस से डिग्री ली थी तो क्या उसमें गए या नहीं गए। तो आपको बता दें कि जिन्होंने भी हायर एजुकेशन एक्वायर की है चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन चाहे डिस्टेंस मोड से, तो तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो है 15 मई 2024 तक इनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट देता है, जिस तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट वो पहले इनको एंटरटेन नहीं करते थे अगर इन्होंने उनसे जो है वो छुट्टी नहीं ली होती थी, प्रॉपर अप्रूवल नहीं लिया होता था, लेकिन अब इनके डॉक्यूमेंट्स को जो एंटरटेन भी किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि इसमें साफ तौर पर ये भी कहा गया है कि कमेटी जो फ्रेम की गई थी इसमें CEO देखेंगे और एग्जामिन करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे कि एग्जाम इन्होंने प्रॉपर वे से दिए हैं, इन्होंने लीव ली थी या नहीं ली थी और प्रॉपर चैनल से वहां पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे, क्या कुछ बीच में कोई ऐसा लूप होल तो नहीं है जो इन्हें नहीं पता। तो ये दोनों के लिए खबर अच्छी है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ में है चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ में, टीचर्स अगर पढ़ा रहे हैं या इन सर्विस है चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो उन्होंने अगर हायर एजुकेशन एक्वायर किए तो वो अपने डॉक्यूमेंट जो 15 मई 2024 तक सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स ही जो है उन्हें आगे तक लेकर जाते कि उन्हें प्रमोशन मिलेगा, फर्दर उनकी क्या कुछ जो है क्वालिफिकेशन देखकर उन्हें कहां कहां पर पोस्टेड किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है, चाहे आप टीचिंग स्टाफ में यानी इन सर्विस में है चाहे आप नॉन टीचिंग स्टाफ में, तो ये खबर जो है आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। इस खबर को शेयर करिएगा ताकि तमाम टीचर्स को जो इसका फायदा मिल सके, और साथ ही साथ जितने भी टीचर्स हैं 15 मई 2024 तक जो है ये आखिरी तारीख है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाने और जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करें, क्योंकि आखिरी वक्त में भी आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग रह जाता है जिसकी वजह से आपको मुश्किलें होंगी, और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये सर्कुलेशन जो है वो जारी किया गया है। तो तमाम टीचर्स जो है इसका फायदा लेना ना भूले, क्योंकि प्रमोशन में उनको ये बहुत ज्यादा फायदा आएगा और इसीलिए उन्होंने हायर स्टडीज भी जो है अचीव की है, एक्वायर की है, ताकि वो इन फ्यूचर इसका फायदा ले सके। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़।